अयोध्या पहुंचे जिनेंद्र नारायण त्यागी ने कार सेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने राजू दास से भी मुलाकात की। इस दौरान राजू दास ने जिनेंद्र नारायण त्यागी को भगवा वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया था। इस दौरान जिनेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि अयोध्या के सरयू घाट पर स्नान कर आधुनिक वस्त्रों का त्याग करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवा वस्त्र धारण करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में संन्यास लेने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर उनको बहुत अच्छा लगा है। इसके साथ महंत राजू दास से जो सम्मान मिला वह उनके लिए सौभाग्य की बात है। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। आपने घोषणा की है, देखिए आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे राजू दास जी महाराज ने दिया। देखिए एक तो अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म कर्म हिंदुओं की रक्षा हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा इसमें बिताना है। दूसरी चीज़ ये कि भगवे से एक ऊर्जा मिलती है एक शक्ति मिलती है। उनके मुंह पे तमाचा है जो सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं जो हिंदू और हिंदी देवताओं को। आज जितेंद्र त्यागी जी को ढेर सारा आशीर्वाद मंगल कामना कि माँ सरजू के तट पर उन्होंने आज स्नान किया। उनके जो लौकिक वस्त्र थे उस वस्त्र का माँ सरजू के चरणों में समर्पित किया। उसके बाद भगवा वस्त्र आज उनको हमने दिया है। भगवा वस्त्र का उन्होंने धारण करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि यह देश अखंड बने, सनातन संस्कृति को कोई गाली दे ये हमसे बर्दाश्त नहीं। और देश में जितने भी मठ हैं मंदिर हैं जहाँ पर आक्रांता आक्रमणकारियों ने तोड़े थे उनको पुनर्स्थापना और हिंदुओं को सशक्तशाली बनावें। और ऐसे लोगों को मुंह पर तमाचा है जो लोग जितेंद्र त्यागी जी के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया इनाम रखे हुए हैं, जो गले काटने की बात करते हैं। सनातन धर्म संस्कृति कभी गला काटने की बात नहीं करता है। सनातन धर्म संस्कृति सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया